क्रेजीज कहानी की शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहां हर तरफ आग लगी हुई थी और वो सिटी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। खैर सीन यहां से चेंज होता है और हम इसी शहर का दो दिन पहले का सीन देखते हैं। यहां हमें एक क्लिनिक को दिखाया जाता है जिसके इंचार्ज डॉक्टर ज्यूडी थी। उनसे मिलने यहाँ उसके असिस्टेंट वेका आती है और उससे कहने लगती है कि उसकी आंटी बीमार है और वो उन्हें देखने जा रही है, लेकिन ज्यूडी समझ जाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड स्कॉटी के साथ बेसबॉल मैच देखने जा रही है जो कि इसी सिटी में हो रहा था। अब ज्यूडी उसे जाने की परमिशन दे देती है। अगले सीन में हम ज्यूडी के हस्बैंड डेविड को देखते हैं जो कि सिटी का शेरिफ है। खैर वो यहाँ अपने साथी ऑफिसर रसेल के साथ वही बेसबॉल मैच देखने आया होता है। इसी बीच वो एक आदमी बैन से मिलता है जिससे वो अच्छे से जानता था। अब मैच शुरू होता है, लेकिन कुछ देर बाद एक रोडी नाम का आदमी गन लेकर मैच के ग्राउंड में आने लगता है। ये देखकर डेविड और रसेल अलर्ट हो जाते हैं और सभी प्लेयर्स को ग्राउंड से बाहर कर देते हैं। इसके बाद डेविड उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो गन लेकर यहाँ क्यों आया है। इस पर वो उसे कुछ नहीं कहता और डेविड पर ही गन पॉइंट कर देता है। यहाँ डेविड को लगता है कि शायद रोरी ने ड्रिंक कर रखी है और इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। डेविड उसे गन नीचे करने को कहता है लेकिन वो नहीं करता। अब वो उस गन का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, लेकिन तभी डेविड अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देता है। इससे रोरी की मौत हो जाती है। इसके बाद डेविड रोरी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और वो खुद को ही दोषी मानने लगता है। इसके बाद वो रोरी की वाइफ और बेटे से मिलता है और उनसे माफी मांगने लगता है। वो बताता है कि रोरी ने ये सब नशे में किया था, लेकिन उसकी वाइफ बताती है कि उसने तो ड्रिंक 2 साल पहले ही छोड़ दी थी और उसके बाद कभी ड्रिंक नहीं करी। अब उसकी वाइफ डेविड को एक स्लैप मारकर यहाँ से चली जाती है। रात में डेविड पछतावे की वजह से सो नहीं पाता, जिसके बाद उसकी वाइफ उसे समझाती है और कहती है कि तुमने जो किया वो ठीक था। इसी बीच हमें पता चलता है कि ज्यूडी प्रेग्नेंट है, यानी वो माँ बनने वाली है। अगले दिन जब डेविड पुलिस स्टेशन में होता है तभी उसे डॉक्टर फोन पर बताता है कि रोरी ने ड्रिंक नहीं की थी। ये सुनकर डेविड को यकीन हो जाता है। अब डॉक्टर बताता है कि उसने ड्रिंक का चेकअप एक नहीं बल्कि 2 बार किया है। इसके बाद डेविड उसकी मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल यूनिट 0 लिख देता है। इसके बाद डेविड उसी ग्राउंड में जाकर चेक करने लगता है। इसी बीच उसे बैन मिलता है जहाँ वो उसे पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है। इस पर बैन पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में कहता है कि वो बस अपने काम को लेकर परेशान है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बिल था। उसकी वाइफ उसे लेकर ज्यूडी के क्लिनिक में आ जाती है और उसे बताती है कि बिल कुछ टाइम से अजीब बिहेव कर रहा है। अब ज्यूडी उसका चेकअप करती है जहाँ बिल बताता है कि मेरी वाइफ खुद ब खुद चिंता कर रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो यहाँ ये लाइन्स 2 बार बोलता है। इसे सुनकर ज्यूडी को अजीब लगता है। खैर वो उसे कुछ दवाई लिख देती है और उसकी वाइफ से कहती है कि उसे एक सीटी स्कैन की जरूरत है। अब रात में विल अजीब हरकतें करने लगता है। वो बाहर फार्म हाउस में जाकर मशीन में काम करने लगता है। ये देखकर उसकी वाइफ और उसका बेटा निकोलस हैरान होते हैं कि इस वक्त वो क्या कर रहा है। अब उसकी वाइफ निकोलस को घर पर छोड़कर विल को देखने चली जाती है, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो विल वहाँ नहीं होता, जिसके बाद वो मशीन को बंद कर देती है। इसके बाद वो बिल को ढूंढने लगती है और तभी उसे निकोलस के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो जल्दी से घर की तरफ आ जाती है। वो निकोलस से पूछने लगती है कि क्या हुआ। इस पर वो बताता है कि डैड एक चाकू लेकर घूम रहे हैं। ये सुनकर वो घबरा जाती है और अपने बेटे को लेकर अलमारी में छिप जाती है। इसके बाद बिल को पता चल जाता है कि दोनों अंदर छिपे हैं। इस वजह से वो बाहर से लॉक कर देता है और एक फ्यूल कैन लाकर पूरे घर में फ्यूल बखेर देता है। साथ ही उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनता और अपने ही वाइफ और बेटे को घर में जलाकर मार डालता है। अब इस बात की खबर सुनकर डेविड अपनी वाइफ ज्यूडी के साथ वहाँ आ जाता है। रेस्क्यू टीम उन्हें बताती है कि निकोलस और उसकी मॉम इस आग में जलकर मर गए, लेकिन बिल अभी जिंदा है। ये सुनकर ज्यूडी बिल के पास जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि निकोलस की मॉम और वो अच्छे फ्रेंड थे। इसके बाद डेविड उसे शांत कराता है। इस बीच हम देखते हैं कि बिल को कोई पछतावा नहीं है और वो बैठकर सीटी बजा रहा है। अगले सीन में हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि जंगल में हंटिंग करने आए थे। इसी बीच उन्हें पानी में एक सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं क्योंकि उस बॉडी का चेहरा देखने में डरावना लग रहा था। दूसरी तरफ डेविड ने बिल को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था और इस वक्त वो जेल में एक जगह खड़ा होकर डेविड को घूर रहा था। तब डेविड रसेल को बताता है कि यही सेम लुक रोरी ने भी दिया था। वो हंटर्स फोन करके डेविड को यहाँ बुला लेते हैं। वो अपने साथ एक डॉक्टर को भी लाया था। इसी बीच डॉक्टर उस लाश को देखकर बताता है कि ये लाश 1 हफ्ते से भी ज्यादा पुरानी हो गई। डेविड उस सोल्जर के कपड़े देखकर समझ जाता है कि ये सोल्जर किसी प्लेन का पायलट था। उसे लगता है कि इस इलाके के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ होगा। इसके बाद वो एक बोट लेकर नदी में उस प्लेन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ आगे जाने पर उन्हें वही प्लेन मिल जाता है जो कि इस वक्त पानी में पूरी तरह डूबा हुआ था। ये देखकर डेविड को समझ आ जाता है कि उसकी सिटी में क्या हो रहा है। असल में उस प्लेन में कोई केमिकल था जो कि अब पानी के जरिए लोगों के घर तक जा रहा है और इसी से इन्फेक्ट होकर लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं। इसी बीच डेविड वाटर सप्लाई करने वाले
वाले कर्मचारी से मिलता है और उससे कहता है कि इस पानी की वजह से हाल ही में 3 लोगों की जान चली गई है। आगे वो उससे वाटर सप्लाई बंद करने को कहता है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और कहता है कि खेतों को पानी की जरूरत है, इस वजह से वो बंद नहीं कर सकता। इसके बाद डेविड खुद ही वाटर सप्लाई करने वाली मशीन के पास जाकर उसे बंद कर देता है और उसका हैंडल भी निकाल लाता है ताकि कोई फिर से उसे शुरू ना कर दे। अब स्टेशन में रसल देखता है कि बिल नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। ये देखकर उसे लगने लगता है कि शायद वो मर गया है। अब जैसे ही वो चाबी से लॉक खोलने की कोशिश करता है तभी यहाँ डेविड आ जाता है और उसे रोक लेता है। इसी बीच दोनों उसके करीब जाने लगते हैं, तभी बिल अचानक उठ जाता है और उन्हें पकड़ने लगता है, इससे वो दोनों जल्दी से बच जाते हैं। अब डेविड जूडी को कॉल करने लगता है लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलते। इसके बाद वो फोन में देखता है कि इंटरनेट चलना भी बंद हो गया था। खैर जब वो स्टेशन से बाहर आकर सिटी में देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और ये देखकर वो काफी हैरान होता है। इसके बाद उसे डॉक्टर के क्लिनिक से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और वो उस तरफ देखने चला जाता है। वहाँ उसे एक आदमी की डेड बॉडी बुरी कंडीशन में मिलती है। तभी पीछे से वही डॉक्टर आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बाद में वो एक मशीन लाकर डेविड को काटने लगता है। इसी बीच डेविड उस मशीन के केबल्स को पकड़कर डॉक्टर में ही फंसा देता है, इससे डॉक्टर खुद को ही काटकर मार देता है। लेकिन तभी वो मशीन स्टार्ट होकर उसी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन आखिरी वक्त पर आकर रसल उस मशीन का केबल निकाल देता है, इससे डेविड बच जाता है। अब रात में डेविड जूडी के कपड़े पैक करने लगता है ताकि वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाए, लेकिन जूडी उसे अकेला छोड़कर जाने से मना करती है। इसी बीच उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब डेविड और जूडी अपने गैरेज में चेक करने जाते हैं वहाँ कुछ आर्मी ऑफिसर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और एक बस में बिठा देते हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि सोल्जर्स रसल को भी पकड़ कर लाए हैं। असल में ये सोल्जर्स शहर के लोगों को एक सेफ जगह ले जा रहे थे। खैर वो उन्हें लेकर एक कैंप में आ जाते हैं। यहाँ कुछ डॉक्टर सभी का टेम्परेचर चेक करने लगते हैं ताकि अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड आदमी हो तो वो उसे बाकियों से अलग कर दें। जब डेविड और जूडी की बारी आती है तो डेविड का टेम्परेचर तो ठीक था लेकिन जूडी का नहीं। इसके बाद सोल्जर उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। डेविड उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन सोल्जर डेविड को पंच मारकर बेहोश कर देते हैं। अब जूडी का टेम्परेचर इसीलिए हाई होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे एक बेड पर बांध कर ले जाने लगते हैं और बाद में बेहोशी की गैस लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ जब डेविड को होश आता है तो वो अपने आप को दूसरी लोकेशन पर पाता है जहाँ सोल्जर नॉन इन्फेक्टेड लोगों को एक कार्ड देकर आगे जाने को कह रहे थे। इसी बीच डेविड को अपनी सिटी का एक आदमी केविन मिलता है, जहाँ डेविड उससे पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ है। इस पर वो कहता है कि उसे आर्मी वालों ने पकड़ लिया। अब वो उससे कहने लगता है कि हम साथ मिलकर अपनी अपनी वाइफ को वापस ला सकते हैं। इस पर केविन कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो आर्मी उन्हें सूट कर सकती है, लेकिन डेविड को इस बात की चिंता नहीं थी, इस वजह से वो अकेले ही अपनी वाइफ को बचाने निकल जाता है। इधर कुछ इन्फेक्टेड लोग कैंप की जाली तोड़कर मिलिट्री पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद मिलिट्री वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ डेविड पुलिस स्टेशन में जाकर गन ढूंढने लगता है, तभी उसे यहाँ रसल भी मिल जाता है जो कि डेविड का पीछा करते हुए आता है। इसके बाद डेविड उसे बताता है कि वो जूडी के पास जा रहा है। ये सुनकर रसल भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जूडी देखती है कि उसकी असिस्टेंट बेका भी यहाँ बंधी हुई है। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं। इसी बीच यहाँ एक इन्फेक्टेड आदमी आकर बेड पर लेटे हुए लोगों को मारने लगता है। जब वो बेका के पास पहुँचता है तो जूडी उस पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो आदमी अब उसकी तरफ ही आने लगता है। अब वो जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है तभी यहाँ डेविड आ जाता है और उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद डेविड उसे बेड से खोल देता है। फिर जूडी तुरंत ही जाकर बेका को भी खोल देती है। आगे वो चारों यहाँ से जाने लगते हैं। वो अपने शहर में देखते हैं कि हर जगह पर आग लग रही है और ये वैसा ही सीन होता है जैसा हम मूवी के शुरू में देख चुके हैं। खैर वो सब एक ब्रिज के पास से गुजरने लगते हैं, तभी बेका को अपने बॉयफ्रेंड स्कॉटी का घर दिखाई देता है। इसके बाद बेका उसके घर की तरफ भागने लगती है। डेविड उसे रुकने को कहता है लेकिन जूडी उसे बता देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को देखने जा रही है। इसके बाद वो तीनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। उन्हें एक जगह पर स्कॉटी मिल जाता है और वो रसल और बेका पर गन पॉइंट कर देता है। असल में उसे लग रहा था कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो। अब डेविड भी उस पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि हम में से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद वो गन नीचे कर लेता है। अब स्कॉटी बेका से माफी मांगने लगता है। इसी बीच यहाँ आर्मी के कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, इस वजह से डेविड सबको एक केबिन में बंद कर लेता है। इधर वो सोल्जर स्कॉटी को घर जाकर उसकी मॉम को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर स्कॉटी जल्दी से अपनी मॉम की तरफ भागने लगता है। तभी वो सोल्जर उस पर फायरिंग करके उसे और उसकी मॉम दोनों को मार देते हैं और बाद में उनकी बॉडीज को जला भी देते हैं। केविन
केबिन में चारों ये देखकर काफी शॉक हो जाती हैं। फिर एक सोल्जर उस केबिन को चेक करने उसकी तरफ आने लगता है। जब वो केबिन में आता है तो डेविड और रसल किसी तरह उसे पकड़कर अंदर की तरफ ले आते हैं, जहां डेविड उसे पूछने लगता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन उस सोल्जर को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और वो बस केवल ऑर्डर्स का पालन कर रहा था। वो डेविड से कहता है कि अगर उन्होंने उसे जाने दिया तो वो किसी को उनके बारे में नहीं बताएगा। इसके बाद डेविड उसकी बात मान लेता है और उसे बाहर जाने देता है। इसी बीच एक दूसरा सोल्जर उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है कि क्या कोई यहाँ पर है। इस पर वो सोल्जर कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। खैर कुछ देर में सारे सोल्जर यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह डेविड उन्हें लेकर अपने घर आ जाता है ताकि वो एक कार लेकर इस शहर से दूर चले जाएं। रसल और बेका गैराज में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड और जूडी घर से कुछ मेडिसिन लेने लगते हैं। इसी बीच जूडी जब अपने कमरे में जाती है तो वहाँ रोड्री की वाइफ और उसका बेटा होता है, जो कि इस वक्त इन्फेक्टेड थे। वो जूडी को पकड़कर कुर्सी पर बांध देते हैं और जब डेविड उसे देखता हुआ आता है तो रोरी का बेटा उस पर अटैक करके उसकी गन छीन लेता है। इसी बीच रोरी की वाइफ उसके हाथ में चाकू को धंसा देती है और जूडी पर गन पॉइंट करके उसे मारने लगती है। किसी तरह डेविड अपने हाथ चाकू से बाहर निकालकर दोनों माँ बेटों को मार देता है। तभी उसके पास रसल और बेका भी आ जाते हैं और यहाँ रसल को रोरी की वाइफ की बॉडी हिलती हुई दिखती है। इसके बाद वो गन से दोनों पर फायर कर देता है ताकि वो फिर से जिंदा ना हो जाए। रसल का ये बिहेवियर देखकर जूडी समझ जाती है कि रसल भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। वो इस बारे में डेविड को भी बता देती है। जूडी को पता चल जाता है कि ये वायरस एयर यानी हवा के जरिए भी फैल रहा है। खैर अब वो चारों कार लेकर यहाँ से जाने लगती हैं। आगे रास्ते में जाते वक्त उन्हें एक हेलीकॉप्टर देख लेता है और उनके पीछे लग जाता है। वो किसी तरह बचते हुए अपनी कार को एक वॉशिंग शॉप में लाकर छिपा देती है। लेकिन यहाँ कुछ इन्फेक्टेड लोग होते हैं और वो वॉशिंग मशीन को शुरू कर देते हैं, इससे उनकी कार धुबने लगती है। वो अपनी कार को यहाँ से निकाल लेने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ काफी इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और कार को तोड़ने लगते हैं। वो उनमें से कुछ लोगों को मार देते हैं। फिर भी एक इन्फेक्टेड आदमी बेका के गले में फंदा डाल देता है और उसे लटका कर मार देता है। वो तीनों उस इन्फेक्टेड आदमी को मारकर बेका के पास जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। इसी बीच उनकी कार उस शॉप से खुद चलती हुई बाहर आ जाती है और वो हेलीकॉप्टर कार पर एक मिसाइल से अटैक करके उसे ब्लास्ट कर देता है और बाद में वहाँ से चला जाता है। अब उनके पास कोई गाड़ी नहीं होती, जिस वजह से उन्हें आगे पैदल ही जाना पड़ता है। कुछ आगे जाने पर उन्हें रोड के पास दो कार्स मिलती हैं, जिन्हें वो चेक करने लगते हैं। उन्हें उनके अंदर से कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें रोड पर एक आर्मी की गाड़ी आती हुई दिखती है। डेविड उसे आता देखकर उस पर अपनी गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन रसल अब ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया था। वो रोड पर स्टॉपर बिछा देता है, जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड जल्दी से उस कार के पास जाता है, जिसमें उन्हें एक आर्मी ऑफिसर मिलता है। यहाँ डेविड उससे पूछने लगता है कि आखिर उस पानी में डूबे हुए एयरप्लेन में क्या था। तब वो ऑफिसर बताता है कि उसमें ट्रिक्सी नाम का एक प्रोटोटाइप बायोलॉजिकल वेपन था और इस वायरस को आर्मी एक शहर टेक्सास में ले जा रही थी पॉपुलेशन को कम करने के लिए। ये सुनकर डेविड उसे पीटने लगता है। जूडी उससे पूछती है कि इस वायरस का रिएक्शन टाइम कितना है। इस पर वो बताता है कि वायरस को बॉडी में फैलने के लिए 48 घंटे का टाइम लगता है। खैर अब वो ऑफिसर उनसे कहता है कि वो यहाँ मदद बुला सकता है, लेकिन तभी रसल उसे शूट करके मार देता है। ये देखकर डेविड उस पर काफी गुस्सा होता है। वो उससे उसकी गन ले लेता है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसका अपना माइंड पर कंट्रोल खो चुका है। इसके बाद रसल अपनी गन उससे मांगने लगता है। इस पर डेविड कहता है कि अब से वही गन रखेगा, लेकिन रसल अपने पास से एक पिस्टल निकालता है और डेविड पर पॉइंट कर लेता है। आगे वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी काफी बार जान बचाई है और तुम अब भी शक कर रहे हो। इसके बाद वो उन दोनों पर गन पॉइंट करके उनसे आगे चलते रहने को कहता है। कुछ देर बाद डेविड उससे बात करने उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो शांत होकर उसकी बात सुने। तभी डेविड उसे एक पंच मारकर उसकी गन छीन लेता है। अब यहाँ रसल को पता चल गया था कि अब वो इन्फेक्टेड होता जा रहा है। वो उनसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ आने दो। इस पर वो दोनों उसे अपने साथ ले लेते हैं। खैर अब उन्हें चलते हुए रात हो जाती है। आगे उनके सामने आर्मी का एक चेक पॉइंट आता है, जिसे उन्हें क्रॉस करना था, लेकिन अगर वो उनके सामने से जाते हैं तो आर्मी उन्हें शूट करके मार देगी। इस वजह से रसल उन दोनों से कहता है कि मैं तो इन्फेक्टेड हो ही गया हूँ, इसीलिए मैं ही आर्मी सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ करूंगा और इसी बीच तुम दोनों साइड से निकल जाना। इसके बाद रसल सोल्जर के सामने आ जाता है और खुद का सैक्रिफाइस करके डेविड और जूडी को वहां से निकाल देता है। आगे रास्ते में वो चलते हुए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहां गेट के बाहर जूडी को एक ट्रक से काफी लोगों की डेड बॉडीज मिलती है। साथ ही उसे रोड पर काफी सारी बुलेट्स भी दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि इन्हें भी सोल्जर्स ने ही मारा होगा। अब डेविड उससे कहते हैं कि अगर हम भी शहर से बाहर नहीं गए तो वो लोग हमें भी मार देंगे। खैर अब डेविड यहाँ के मॉल से कुछ सामान लेने लगता है। इधर जब जूडी एक जगह पर पानी पी रही होती है, तभी उसे दो इन्फेक्टेड आदमी दिखाई देती है, जिनसे बचती हुई वो एक कमरे में छिप जाती है। लेकिन यहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज थी। दूसरी तरफ डेविड को आर्मी का एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि एयरफोर्स इस इलाके में एक न्यूक्लियर
न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने वाली है। इसके बाद डेविड जूडी के पास आ जाता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। फिर वो दोनों एक ट्रक के पास आ जाते हैं। अब जैसे ही वो ट्रक को खोलते हैं तो उसमें से भी ड्राइवर की डेड बॉडी निकलती है। इसके बाद डेविड ट्रक को स्टार्ट करने लगता है लेकिन उसके पास चाबी नहीं होती। फिर वो जल्दी से ड्राइवर के पास से चाबी ले लेता है लेकिन इसी बीच वो दोनों इन्फेक्टेड आदमी यहाँ आ जाते हैं। उनमें से एक जूडी के पीछे और दूसरा डेविड को रेलिंग में गिरा लेता है। अब डेविड उस इन्फेक्टेड आदमी में किसी तरह लाइटर की मदद से आग लगा देता है और रेलिंग से बाहर आ जाता है। जूडी भी डेविड की गन से शूट करके दूसरे इन्फेक्टेड आदमी को मार देती है। अब वो दोनों ट्रक को स्टार्ट करके निकल जाते हैं। उस बॉम्ब का काउंट डाउन शुरू हो जाता है और डेविड वॉकी टॉकी से ये सब सुन रहा था। टाइम पूरा होने पर एयरफोर्स न्यूक्लियर बॉम्ब को शहर में गिरा देती है। इस बॉम्ब की वजह से वो पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन साथ ही इस न्यूक्लियर बॉम्ब की वेव्स की वजह से उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड और जूडी अभी ठीक थे। डेविड उसे ट्रक से बाहर निकालता है जिसके बाद दोनों अपने शहर को तबाह होते हुए देखने लगते हैं। कहानी के आखिर में दोनों एक बड़े शहर की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि स्पेस से एक सैटेलाइट उन पर नजर रख रही है। साथ ही हमें पता चलता है कि इस शहर में भी ट्रिक्सी वायरस फैलने लगा है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।